आज के क्लास में हम लोग बीएड सेकंड ईयर से पेपर सी 10 जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा उसके यूनिट एक से यूनिट फर्स्ट से चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे और उसमें एक प्रमुख बिंदु को देखेंगे जिसका टाइटल है शिक्षा में समानता के अवसरों के सूचक। शिक्षा में समानता के अवसरों के सूचक यानी कि शिक्षा में समानता है या नहीं है ये हम कैसे जान पाएंगे। तो इसके लिए हमारे देश में चार प्रकार के सूचक को बनाए गए हैं जो है प्रवेश के अवसर, दूसरा बने रहने की समस्या मतलब विद्यालय में बने रहने की समस्या, तीसरा स्तर की समानता, चौथा सुविधाओं की समानता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से प्रवेश के अवसर। चूंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो उसमें विभिन्न प्रकार के लिंग स्थिति जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्र और भाषा के लोग आते हैं और इस कारण से ऐसे हरेक नागरिक को यह अधिकार है कि वह किसी भी विद्यालय में अपना नामांकन करा सके और अपना प्रवेश प्राप्त कर सके। तो प्रवेश के अवसरों की अगर बात करें तो इस देश में इस संविधान में ऐसा होना चाहिए कि प्रवेश के समय किसी को भी बाध्य ना किया जाए कि आपका जाति दूसरा है, आपका धर्म दूसरा है, आप दूसरे संप्रदाय से आते हैं या आपका क्षेत्र और भाषा कुछ दूसरा है जिस कारण से आपको नामांकन नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नामांकन सबों को समान रूप से मिलना चाहिए और यही पहला सूचक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का समानता है या नहीं है। तो प्रवेश के आधार पे हम लोग सूचक को तय करेंगे। इसमें देखें कि हर एक नागरिक को किसी भी विद्यालय में प्रवेश करने में किसी भी प्रकार का कठिनाई ना आ पाए। सेकंड पॉइंट है जो बने रहने की समस्या यानी कि रिटेंशन। अगर विद्यालय में नामांकन हो गया तो क्या आप अपने पूरे विद्यालय काल तक यानी कि फर्स्ट क्लास में अगर नामांकन हुआ और क्लास 10 तक उस स्कूल में क्लासेस चलते हो तो क्या आप क्लास 1 से क्लास 10 तक उस विद्यालय में हैं, रुक सके हैं? तो विद्यालय में बने रहने की जो समस्या है ये चीज को कम करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो विद्यालय में प्रवेश तो ले लेते हैं लेकिन बाद में आगे चलकर कुछ दिनों कुछ महीनों कुछ सालों के बाद विद्यालय छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। और विवशता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, या तो ये भी हो सकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर हो बच्चे, या यह भी हो सकता है कि बच्चों को विवश किया जाए विद्यालय छोड़ने के लिए किसी भी कारणवश से। तो कहीं ना कहीं यह एक सूचक का काम करती है कि जो बच्चे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं क्या वे बच्चे विद्यालय में बने रहे हैं अभी तक। तो बने रहने के लिए भी बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि बच्चे विद्यालय में बने रहे। पॉइंट जो है स्तर की समानता, क्योंकि बात यहां स्तर की यही है, पाएंगे कि स्तर की समानता हर एक बच्चों के साथ उसी हिसाब से दिया जाए जो कि उसके स्तर के लिए लाभप्रद हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों से बहुत ज्यादा स्तर पे जाके उसकी समानता को पूरा किया जा सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक समान स्तर की शिक्षा सबों को प्रदान किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो। एक समान स्तर तक की शिक्षा सबों को प्राप्त करने से आशय है। इसको एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि इस देश में उच्च प्राथमिक तक की शिक्षा सबों को प्रदान करने का अनिवार्य रूप से अनुच्छेद बनाया गया है संविधान में। अनिवार्य रूप से उच्च प्राथमिक तक की शिक्षा सबों के लिए समान रूप से इसको बनाने का काम किया गया है। उच्च प्राथमिक से तात्पर्य है क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। तो स्तर की समानता होनी चाहिए, क्योंकि
इस देश में विभिन्न प्रकार की असमानताएं भी है, तो उन असमानताओं को दूर करने के लिए एक स्तर की निर्माण होनी चाहिए और उस स्तर को प्राप्त करने के लिए उच्च प्राथमिक तक की शिक्षा सबों को प्रदान करने की काम को किया गया है। पॉइंट जो है इसके बाद सुविधाओं की समानता, चूंकि सुविधाओं की समानता से तात्पर्य है कि इस देश में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा के समान सुविधाओं की प्राप्ति होनी चाहिए। और अगर हम मान लेते हैं कि जिन बच्चों को या जिन नागरिकों को सुविधाओं की प्राप्ति माता पिता समाज या समुदाय से प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो यह सरकार का परम कर्तव्य है कि सरकार उन बच्चों को वो हर सुविधा प्रदान करे जो उनको शिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा के समानता के अवसरों के सूचक कौन कौन से हैं। यहाँ समानता के अवसरों के सूचक से तात्पर्य है कि यही वो चार बिंदु है जिससे हम यह तय कर सकते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा की समानता है या नहीं है।